जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान रोडवेज बस पूरी की पूरी अवैध शराब से भरी हुई पकड़ी गई है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है, जहां पर 84 थाना पुलिस ने झोतरी तिराए पर गुजरात रोडवेज बस से अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने बस से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 70,000 रुपये की कीमत की 112 अंग्रेजी बोतलें बरामद की हैं। इसी दौरान एसपी राशि डोंगरा डूडी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि संतरामपुरा जाने वाली गुजरात रोडवेज बस में 5 युवक अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस पर 84 थानाधिकारी भैमजी गरासिया की झोतरी तिराए पर नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी करना शुरू कर दिया था। इस दौरान डूंगरपुर की ओर से आ रही गुजरात रोडवेज बस को रुकवाकर तलाशी की गई। मुखबिर ने बताया कि होली के अनुसार बस में आखिरी सीट पर बैठे 5 युवकों के पास एक बैग है जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई है। बैग के बारे में पूछताछ करने पर युवक घबरा गए थे। जब बैग की तलाशी ली गई तो अंग्रेजी शराब मिली है। इस पर 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने तस्करी की बात को कबूल लिया। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में उदयपुर और डूंगरपुर के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।